दीदी सॉरी, मुझे आज बताना पड़ रहा है कि आपने मुझे शर्मा ने मुझे कॉल की, बहुत अच्छी है वो, ये वो काफी अच्छा अच्छा बोला, जैसे कि सभी लोग बोलते हैं रश्मि दी के बारे में। तो कुछ दिन बाद उन्होंने जो है बोला रश्मि दी के बारे में गलत गलत बोला कि भाई घमंड की ज्यादा उम्र नहीं होती है, सो तो हुआ ये, उन्होंने फिर बताया कि रश्मि दी का कॉल आया मुझे और उन्होंने बड़े रूडली मुझसे बात की, ऐसा वो कह रही है। उन्होंने बोला कि भाई तुम अपनी टीपी हटा लो, अपना थंबनेल में से मेरी फ़ोटो हटा लो और मेरा नाम यूज़ मत करो और प्लीज़ ये हटा लो। तो वो ये कह रही थी कि उनमें इतना एटीट्यूड है, वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये वो ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पहली बात कि कोई यूट्यूबर को इतना टाइम नहीं है कि वो आपको फ़ोन करे। मैं ये यकीन कर सकती हूँ कि रश्मि दी ने आपको कॉल की थी और उन्होंने आपसे बात की थी, क्योंकि एक बात बताऊं, रश्मि दी ने मुझे भी कॉल की थी और आज मैं ये बता रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने सिर्फ उनसे अपने, मेरा मन था उससे बात करने का, सिर्फ मैंने इसलिए बात की थी, मेरा कोई ये मोटिव नहीं था कि मैं उनसे बात करके और मैं वीडियो बनाऊँ, ये बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपने उनके बारे में गलत बोला। तो बट ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है, बट फिर भी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसे आप प्लीज़ पॉजिटिवली लेना। तो हुआ ये था कि तो रश्मि दी ने उन्होंने बोला कि भाई मेरी ये फ़ोटो हटा दो थंबनेल पे से। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बहुत एटीट्यूड दिखा रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये वो। तो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने मुझे भी ऐसा बोला है कि आप, मैंने उनसे परमिशन ली थी कि क्या दी मैं आपके बारे में वीडियो बना सकती हूँ फ्यूचर में कभी। तो उन्हें लगा कि शायद मैं अभी बोल रही हूँ कि जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा नहीं दी, मैं इस बारे में नहीं बोल रही हूँ आप। तो उन्होंने कहा हाँ ये मत बोलना कि भाई मैंने कॉल की थी, क्योंकि फिर
सभी लोगों के फिर आने लगते हैं, तो इससे थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सबको नहीं ऐसे कॉल कर पाएंगी। और वो इतनी अच्छी है ना कि वो मतलब उनसे उनसे ये देखा नहीं जाता कि मतलब मैं एक को करूं और दूसरे को ना करूं, वो सबको अपने लिए बराबर मानती है, सभी उनके व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसलिए वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि देखो मैं सबको सब फिर मुझे मेल करेंगे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए। तो और वो इतनी अच्छी है ना, तो उन्होंने मेरे से इतनी अच्छी से बात की थी जब उन्होंने मुझे कॉल किया था। और सच में रश्मि दी बहुत अच्छी हैं। और रश्मि दी सॉरी, मुझे आज बताना पड़ रहा है कि आपने मुझे कॉल की थी, वरना मैं नहीं बताती, बट आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो, इसलिए मैं बता रही हूँ लोगों को। और एटीट्यूड तो उनमें बिल्कुल नहीं है, देखो सच बात ये है, आपको लग रहा है एटीट्यूड है तो वो आपका नज़रिया है, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि रश्मि दी में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कहाँ किस पोजीशन पे है वो, कोई यूट्यूबर ऐसे मेल कोई करेगा तो उन्हें कॉल नहीं करेंगे, वो भी यार अपने मतलब नंबर से कॉल से, 10 चीज़ें होती है ना, वो अपना नंबर शेयर कर रही हैं आपसे आपको कॉल करके। तो ये भी तो सोचिए कि वो इतनी अच्छी हैं कि टाइम निकाल के आपको कॉल कर रही हैं। उन्होंने मुझे रात को कॉल की थी जब वो काम कर रही थी, और काम करते करते वो मुझसे बात कर रही थी, और मैं भी उस टाइम कपड़े धो रही थी, रात को उस दिन मेरे को लेट हो गया था, और मैंने तो सब कपड़े वपड़े छोड़े और उनसे बात करी पहले जाके, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी। बट उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि आप मेरी फ़ोटो यूज़ मत करना, करना तो हफ्ते बाद हटा देना, उन्होंने मुझे भी ऐसा बोला है। और क्योंकि YT के रूल्स सबके लिए बराबर हैं, तो बात ये है, उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनकी फ़ोटो यूज़ करें, उन्हें प्रॉब्लम इससे कि कहीं फ्यूचर में उन्हें या हमें, हम दोनों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जो फ़ोटो उनकी यूज़ कर रहा है और जिनकी फ़ोटो यूज़ हो रही है, इसलिए। और कोई मसला नहीं है उनको कि भाई आप उनके नाम से ग्रो हो रहे हो, या अगर उनको इतना ही होता तो वो जो यूट्यूबर्स के घर जा रही हैं वो उनके घर भी नहीं जाती। अब जो जिनके वो घर गई हैं तो उनका देखो आप कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, तो उनमें बिल्कुल भी ये चालाकपन बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत अच्छी हैं वो, तो आप समझो इस बात को और टेक इट पॉजिटिवली, और आप मेरे दोस्त की तरह हो। तो इसको ये वीडियो भी मैं बड़े आराम से बना रही हूँ, कोई मैं गुस्से में नहीं बना रही हूँ, बस मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि रश्मि दी के बारे में ऐसा कुछ बोला गया है जो कि इतने लोगों को पसंद है, तो कोई तो बात होगी ना उनमें, इसीलिए पसंद है ना उनको, वो जैसी वो अंदर से हैं जैसी वैसा ही वो कैमरे पर शो करती हैं, तो पॉजिटिवली लीजिए उनको, उनकी बातों को भी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, उनकी जो फ्रेंड है प्राची बेंजाल, उन्होंने भी जब उनके लिए वीडियो बनाई थी तो उन्होंने उनका थंबनेल यूज़ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ऐसा कुछ लिखा था बट उनके बारे में नहीं लिखा था, वो तो अंदर जाके पता चला था कि हाँ भाई सच में रश्मि दी उनके घर गई हैं। मैंने भी जब देखा था तो मैंने कहा होंगी कोई, जब अंदर देखा तो मैंने कहा OMG रश्मि दी गई हैं उनके घर पे। तो वो सिर्फ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि YT के रूल्स सबके लिए एक है और YT का कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या कर दे, तो उन्होंने मुझे भी यही बोला कि फ्यूचर में नहीं मालूम YT कब क्या कर दे, तो उससे प्रॉब्लम हो उनके चैनल को भी हमारे चैनल को भी, इसलिए वो मना कर रही हैं। सबको वो नहीं बोल सकती हैं तो इसलिए वो एटलीस्ट हमें बोल रही हैं, और हमें तो खुश होना चाहिए, वो हमें अपना समझती हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं। टेक इट पॉजिटिवली फ्रेंड, यही बात मेरे को आपसे शेयर करनी थी। और मेरा बेटा बोल रहा है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।